टेक्सटाइल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सूरत के पांडेसरा इलाके में दो भाइयों को लुटेरों ने मारा चाकू। घटनास्थल पर ही युवक ने तड़प तड़प कर दी जान। चोर का पीछा कर उसे दबोच लिया। कोहिनूर से भी महंगी है सूरत के हीरा व्यापारी के घर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति। बेल्जियम से मंगवाए रफ डायमंड्स में से निकली थी गणेश भगवान की प्रतिमा। त्योहारों के मद्देनजर सादे लूम्स पर ही एम्ब्रॉयडरी वर्क किए वेल्डर कपड़े की मांग से स्टटल लूम्स पर उत्पादन बढ़ा। सूरत में डिफेंस फैब्रिक्स उत्पादों की संख्या बढ़ी। सूरत में ठग गिरोह के झांसे में आए अधेड़ ने सूरत के भाई बहन सहित गिरोह ने 7.43 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस गिरोह का अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने पकड़ा था। सूरत में अगर व्यापार बंद कर दिया है और आखिरी रिटर्न फाइल नहीं किया तो लगेगा रोजाना 200 रुपए का जुर्माना। अन्य योजनाओं का लाभ व्यापार बंद करने वाले व्यापारियों को देने की मांग। सूरत में पत्नी को मिलने के बहाने बुलाकर पति ने ब्लेड से गला काट कर किया हत्या का प्रयास। पुलिस ने मामला दर्ज किया। सूरत में अब गरीब और श्रमिकों का घर निकट उनके समय पर होगा इलाज। आवास में शाम से रात तक महानगर पालिका औषधि केंद्र शुरू करेगी। सूरत में बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के मामलों ने बढ़ाई चिंता। 2 माह में 1700 से ज्यादा मामले दर्ज। रोजाना वायरल इंजेक्शन पीड़ित 40 बच्चे सिविल में आ रहे। सूरत के SVNIT देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 47वां स्थान प्राप्त कर रैंकिंग में टॉप 50 में स्थान मिला है। पिछले साल 54वें स्थान पर थे। अहमदाबाद में देर रात 3 बजे मरीज को शुरू हुआ छाती में दर्द। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर के समय पर ना पहुंचने से हुई मरीज की मौत। परिवार ने दर्ज किया केस। अहमदाबाद में आगामी वाइब्रेट समिट के मार्फत गुजरात में बड़े पैमाने पर निवेश में भागीदारी करेगा जापान। महावाणिज्य अध्यक्ष डॉक्टर फुकहोरी ने की विजय रूपाणी से शिष्टाचार भेंट। अहमदाबाद में 16 अस्पताल में लापता लड़की को ढूंढने में पुलिस को मिली सफलता। 16 पुलिस स्टेशन के 70 से 80 पुलिसकर्मी बच्ची को ढूंढने में लगे। राजकोट में लागू हुई PM कुसुम योजना। कुए बोर खेत में तालाबों की सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण योजना से लाभान्वित हुए 69 किसान। अब भारत में भी मिलेगी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी। सिवेट कॉफी की कीमत करीब 25,000 रुपए प्रति किलो आती है। गुजरात के खेडोई गांव में लक्ष्मीनारायण देव का मंदिर में से मिली 75 साल पुरानी लपसी मान लो अभी ताजी बनाई गई। राजकोट में लॉकडाउन में बंद हुआ व्यापार तो कपड़े का कारोबार करने वाली महिला घर घर जाकर बेचने लगी कपड़े। हर महीने कमाती हजारों रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थल का 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित किया। मांस और मदिरा पर प्रतिबंध। वैक्सीनेशन को लेकर अमेरिका में स्कूल प्रबंधन और परिजन आमने सामने। 6 लाख बच्चों का होगा टीकाकरण। पंजाब गवर्नमेंट डिसीजन। सरकारी कर्मियों को कोरोना वैक्सीन न लगवाना पड़ेगा भारी। सीएम ने कहा फोर्स लीव पर भेजें। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली NCR हरियाणा UP बिहार पंजाब और राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। तो आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।